तो क्या हाल चाल है आप सभी के। देखो मरा नहीं हूँ मैं, मरा नहीं हूँ मैं यार, पता नहीं इतना क्रिंज क्यों करता हूँ मैं। खैर छोड़ो, आज हम बात करेंगे नेहा चूतिया चिंटू है, सच्चाई नहीं बोली, सच्चाई नहीं बोली। हाँ यार, दीदी को बुरा लग जाएगा यार, लड़के कैसे गाली दे सकते हैं लड़की को। नहीं, चाहे लड़की कुछ भी बोल दे, लड़की लड़के को बहनचोद बोल दे, लेकिन नहीं, लड़का कुछ नहीं कर सकता, लड़का कुछ नहीं कर सकता यार। देखो मुझे पता है तुम सब गाँव उठी हो, तुमने पहले देख लिया होगा, पर मुझे भी व्यूज और वॉच टाइम चाहिए यार, तो चलो जरा साथ में देखते हैं। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, आई हैव नेवर बीन एल्बो सीरियर, आई हैव नेवर बीन डिसऑनेस्ट। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया, जो भी किया सच्चे दिल से किया, पूरे दिल से किया, हमेशा से। तो व्हेन आई लव द गर्ल आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन, मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था, एंड आई लिटरली रिग्रेटेड। मैं कुछ और भी कर सकता था। क्या कर सकता था और भी? उसको शायद अब्यूज कर सकता था, उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले। पर वो थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन था। मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन बट यू ओनली हिट हर। खाली घर तक नहीं लेके गया उसको। हाँ, आई जस्ट इन शॉर्ट, मतलब आप उसका उसका नाम अपने उसके फैमिली के साथ बदनाम कर सकते थे। नहीं, मैं सिर्फ ये बदनाम नहीं करना था सर, खाली ये बोलना था कि बस चूती टास्क करना, उनकी बात का आंसर दे मेरे को, उनसे लेने देना। तू टास्क कर, अपना सीधी कर, एल्बो एल्बो सीधी कर ना, सीधी कर, ऊपर कर। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात। इट्स हर चॉइस मां, मैंने उसे पूछा, नेहा फकिंग राइट, नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट टू स्लैप अ गर्ल। मैम आई स्टिल रीड इट, मैंने वो भी लिखा है। It was completely और क्या करता तू आगे जाके, क्या करता उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। अभी तो बोला है ना, अभी तूने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने उसको एक चाटा मारा, that was an impulsive। और भी बहुत कुछ कर सकता था। नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता। तो you answered it like that। करण एक बात तो समझ ले, ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, ठीक है? नहीं पहले सब छोड़ो, अपन पहले देखते हैं जजेस को, पहले ये सारे छपरी शो जीतने वाला प्रिंस नरूला, फिर अपने रफ्तार भैया, रफ्तार भैया के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, फिर अपनी नेहा धूपिया, यार मैं नहीं बोल रहा धूपिया ऐसे चूतिया सूट करता है यार। हाँ वैसे चिंटू उसने जिंदगी में कुछ करा बताने लायक? हाँ तो मिस इंडिया रह चुकी है हमारी नेहा धूपिया। अबे मिस इंडिया थी या मिस कानपुर, जरा चेक तो कर। करते हमारे बेस्ट जज ऑफ रोडीज रणवीर है। नहीं ये बंदा इतना नल्ला है, 16 साल से रोडीज कर रहा है, इसका और एमटीवी का नाता बहुत प्यारा है, ये एमटीवी का चाचा भतूजा नाता नाती जो भी है, रोडीज भी यही करता है, स्पिटजिला भी यही करता है और हकता भी यही है। It's her choice। और कोई बचा क्या? अरे वो पिछले साल वो हॉकी प्लेयर थे ना, जूते फेंक के भगा दिए क्या रोडीज वालों को। तो दीदी का कहना ये है, अगर एक लड़की पांच बॉयफ्रेंड रखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वहीं अगर एक लड़का गुस्से में आके किसी एक लड़की को गलती से झापड़ मार दे तो उसमें बहुत दिक्कत है। नहीं उसे नेशनल टेलीविजन पर नंगा करो। इट्स हर चॉइस। चलो ठीक है दीदी, इट्स हर चॉइस बोल रही है तो अब लड़के की भी तो चॉइस होगी ना जो करने की। नहीं अब लड़की कुछ जो चाहे वो कर सकती है, तो लड़का भी तो कर सकते ना। ये किस चीज का टैटू है? मैम AK-47। यहाँ पे जो आप AK-47 अपने हाथ पे टैटू करा के जो इतनी शान से घूम रहे हैं ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन यू आर। और ये है इंडिया के यूथ आइकन्स। हाँ वैसे कोई नहीं मानता नहीं, पर ये खुद को यूथ आइकन्स बताते हैं। ये यूथ आइकन, ये 50-60 साल के अंकल और ये आंटी यूथ आइकन्स है। You to expect anything exactly. From anyone? Who the f*** are you to expect f***ing loyalty even from your own pet dog? Who the f*** are you? But if I am showing who loyalty, the f***? If I am, let's say I'm angry, and expect you to be angry with me. Be angry with me, so I expect it. I expect you to be a mirror f***ing reflection of me. Be it. Sir, agar maine be a mirror. Reflection of me. अगर आपने गलती की है, तो अगर गलती की है तो सर सजा कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए। गलती तो रीजन वाई गलती तेरे चुके बोलती है, तेरे चुके गलती। सर उसने कन्फेस भी किया। कन्फेस क्या किया? उसने दूसरों से प्यार किया। तो उसने कन्फेस खुद किया। कन्फेस किया? She was with me because I was famous in college. तो बस तो क्या गलती है सर? फैशन वॉक करना था, उसको रैंप पे आना था, इसीलिए उसने ये सब फालतू गेम खेला। तो अब बात करते हैं निखिल चुदामा मचेना पा के बारे में।
पहले मुझे ये बताओ उसे जानता कौन है। नहीं नहीं, जब मैंने इसे पहली बार देखा मेरे मन में आया कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। देखो पहले मुझे लगा कोई फक फक बोल रहा है, कोई अच्छा कुछ अच्छे काम करा होगा जिंदगी में इसने। फक बोलना नहीं, फक बोलना तो कूल होता है यार, नहीं चूतिया बोलना तो गवार, अनपढ़ जाहिल, नहीं बहुत गवारों की पहचान होती है यार वो। तो फिर मैंने देखा भैया जी स्पिट्स विला के पार्ट रह चुके हैं, सीधी सिंपल बात सर्टिफाइड चूतिया है। देखो साफ साफ दिख रहा है पूरा शो स्क्रिप्टेड है। अगर मेरे सामने कोई मुझे ऐसे गाली देता तो मैं तो वहाँ से चले जाता या फिर इन्हें उल्टा गाली देता, बट ये बंदा वहाँ देख के खड़ा है मजे ले रहा है। It's her choice. तो अगर सही में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो थोड़ा सा उसमें काम कर लिया करो। ये कहाँ की जेंडर इक्वालिटी है बे, दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहा है कि वो दूसरे की माँ बहन की इज्जत करे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, तो उस लाल बटन के साथ तुम रोटीज खेलो या स्पिट्स खेलो मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, वो मिले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, वो मिले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घरदार छोड़ा, तेरे साथ किया मैंने जीरा सोडा, जिसे मटके में पानी बता थोड़ा।